रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में छत्तीसगढ़ का पहला कलर डॉपलर रडार स्टेशन लगाने जा रहा है। इसकी घोषणा पहले ही हो चुकी थी। आज केंद्रीय मौसम विज्ञान के अधिकारी और विश्वविद्यालय के कुलपति के बीच में एमओयू पर हस्ताक्षर हुए। इसी के साथ IGKV के मौसम विज्ञान केंद्र परिसर में ही रडार टावर लगाने का काम शुरू हो जाएगा। बताया जा रहा है कि 31 मार्च 2023 से पहले टावर लगाने का काम पूरा हो जाएगा। कलर डॉपलर की जो व्यवस्था है वो मौसम विभाग के द्वारा छत्तीसगढ़ में इंदिरा गांधी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के लिए इसके कैंपस में लगने के लिए MOU आज साइन हुआ है। वर्तमान में टोटल 33 कलर डॉपलर पूरे देश में लगे हैं और 3 नए का भी भारत सरकार ने जिसका अभी घोषणा की है। तो मध्य क्षेत्र का जो भाग था जिसमें कलर डॉपलर ना होने के कारण जो प्रिसीशन हमारी प्रिडिक्शंस होती थी जो भी उनकी मतलब मौसम विभाग की उसमें कुछ कमी देखी गई थी, तो इसके बन जाने से जो ये गैप था पूरे सेंट्रल इंडिया में उसमें हमको बड़ी सहायता मिलेगी। और इस कलर डॉपलर के लगने से मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में हम मौसम की भविष्यवाणी बहुत प्रिसाइज तरीके से और किसानों के बेनिफिट में कर पाएंगे। 3 तरीके के डॉपलर वेदर रडार होते हैं, सी बैंड, एस बैंड एंड एक्स बैंड। तो ये सी बैंड है, ये वेदर के लिए बहुत प्रिसाइज होता है, सी बैंड जो होता है। और इसका जो वेवलेंथ जो होती है वो 4 GB to 8 GB होती है। और ये वेवलेंथ जो है 5 सेंटीमीटर के अराउंड होती है, 4 to 8 सेंटीमीटर। जैसा कि अभी विजय सर ने बताया है, आप किसानों के लिए, जनरल पब्लिक के लिए और एविएशन, ये तीनों के लिए होने वाला है।